रमजान की रौनक पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद इलाका, गेट नंबर एक के सामने जो मटिया महल और चिट्ठी कबर को जाने वाला रास्ता है, आपको यहाँ एक नहीं दो नहीं सैकड़ों ऐसे खाने के होटल्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ आपकी जो च्वाइसेस हैं वो आकर के आपस में लड़ जाएंगी। एक बार लेके चलना चाहूँगा एक एक करके इसी जामा मस्जिद की रौनक को दिखाने के लिए, जहाँ अब से कुछ ही दिन बाद, क्योंकि अब जब तैयारी पूरी हो चुकी है लोगों की और पूरी तरह सच चुका है बाजार दुल्हन की तरह, तो ये दिखाना भी बड़ा दिलचस्प और ज़रूरी होगा कि जामा मस्जिद के इलाके में जहाँ जवाहर और करीम और असलम टिक्का मौजूद है, तो वहाँ कुछ खाने ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे खाने के शौकीन हैं जिनको वो खाने ज़रूर पसंद आते हैं, जो लोग सब नहीं जानते मगर बहुत कुछ ऐसे हैं जो जानते हैं। आइए चलते हैं जामा मस्जिद की रौनक में। तो सबसे पहला पड़ाव जामा मस्जिद के इसी गेट नंबर एक के सामने जवाहर होटल, मुगलाई फूड्स के लिए सबसे ज्यादा जाना जाने वाला जवाहर होटल। चलता हूँ यहाँ और आप तक यहाँ के जो खाने हैं, जो लजीज खाने हैं, उनको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो स्वागत है ना आपका जवाहर होटल में, वो इस सीख कबाब से होगा। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इन सीख कबाबों को, ये मटन सीख कबाब होता है और उसको बड़े खास अंदाज में इन्हीं सीखों में प्रो करके बनाया जाता है, और ख़ास तौर से जो जवाहर की रोटी है उसमें गेहूँ की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो लोगों को ख़ास तौर से पेट की परेशानी होती है उनके लिए दिक्कत ये वाली खमीरी रोटी खाने से नहीं होगी। और चिकन स्टू, चिकन कोरमा, मटन स्टू, मटन कोरमा से लेकर के तमाम चीज़ चंगेज़ी, और उसके अलावा जिस तरीके से यहाँ का सबसे ज़्यादा बर्रा मशहूर है जवार का, करीम का, लोग ज़्यादातर यही खाने आते हैं। मैं पूछना चाहूँगा इस वक्त क्या निकाल रहे हैं आप? चिकन स्टू निकाल रहे हैं। इसमें क्या है? चिकन कोरमा है। नेक्स्ट क्या है? मटन स्टू है सर, ये मटन स्टू। अच्छा, मिर्चें वगैरह कैसी रखी जाती हैं आप लोग, किस तरीके का रखते हैं, नमक मिर्च वगैरह का ख्याल रखते हैं? सर मटन स्टू होता है, हल्की मिर्च होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, नॉर्मल स्पाइसी होता है, कोरमा थोड़ा से ज़्यादा स्पाइसी होता है। कोरमा थोड़ा स्पाइसी होता है और लोगों को पसंद क्या आता है ज़्यादातर? ऐसे तो कोरमा, मटन कोरमा, चिकन कोरमा, मटन कोरमा, और चंगेजी, चंगेजी भी है। और जवाहर करीम में न सिर्फ दिल्ली से बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले लोग, और वो भी वो लोग जो मुगलाई के लवर्स हैं, मुगलाई खाने वाले हैं। मेरे साथ आरती हैं। आरती, कैसा फील होता है जामा मस्जिद पर आना और मुगलाई खाना वगैरह खाना? बहुत अच्छा। आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम, माय ब्रदर हैज बीन विजिटिंग, सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज टेकिंग मी टू अल जवाहर, टू करीम, ही डस वांट टू सी एनी ऑफ देम, सो आई एम ट्राइंग टू विजिट ऑल ऑफ देम एंड हैव द बेस्ट ऑफ इट। तो क्या चीज का मन बना के आई है, क्या खाएंगी? अभी मटन सीख कबाब, आई ऑलरेडी हैड नल्ली एंड चिकन टिक्का, मलाई टिक्का। आप लोगों ने निहारी या यहाँ का चंगेजी वगैरह ट्राई किया? वी ट्राइड निहारी। आपका नाम क्या है? अक्षय। अक्षय, तो यू कीप ऑन कमिंग, आप आते रहते हैं? आई कीप ऑन कमिंग। क्या चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जामा मस्जिद के इलाके में? निहारी। निहारी प्लस कूल पॉइंट, यू मस्ट विजिट कूल पॉइंट, शाही टुकड़ा, शाही टुकड़ा एंड मैंगो आइसक्रीम। बिल्कुल, तो शाही टुकड़ा कूल पॉइंट का हम जरूर चलेंगे वहाँ पर, लेकिन पहले तीखा उसके बाद फिर मीठा। तो आरती आपका भी और अक्षय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी तरीके का कोई यहाँ माहौल में कोई खराबी या कुछ ऐसा तो कुछ नहीं? इट्स वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पफुल। जो एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है उसको देखते हुए क्या कहना चाहोगे यहाँ? बहुत ही ऐसा लग रहा है अभी रात के 1 बजे, दोपहर का 1 बजे, कोई अनसिक्योरनेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा, जो जामा मस्जिद के लिए खास तौर से लोग कहते हैं कि यहाँ पर अनसिक्योर और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है, तो आप देख सकते हैं आरती भी यहाँ मौजूद है, अक्षय भी यहाँ है, सौरभ अंदर आए हुए हैं, आपको अभी उनसे भी बात कराऊंगा। और कुल मिलाकर के स्टू से लेकर नहारी, कोरमा, चंगेजी और बर्रे की जो तारीफ है वो जामा मस्जिद की, पुरानी दिल्ली की, और ख़ास तौर से जिस तरह जवाहर करीम और दूसरे होटल्स हैं जहाँ एक एक करके आपको लेके चलना चाहूँगा। और अल जवाहर के बाद एक पतली सी गली में जो रास्ता जा रहा है करीम का, मैं आपको वहीं लेकर के चलना चाह रहा हूँ और ज़रूर दिखाऊंगा जो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं
क्या खाने आए हैं, क्या चीज़ पसंद कर रहे हैं वो देखते हुए इस वक्त मैं करीम पहुंचा हूं। और क्योंकि रमज़ान की रौनक है और खान पीने का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है, वो चीज़ देखते हुए नज़र आ रहा है। पहले ही देख पा रहे हैं कि करीम का इस वक्त जो क्राउड है वो देखते ही बनता है। जिस तरीके से लोगों में मुगलाई फूड खाने का सबसे ज़्यादा आजकल शौक देखा जा रहा है, उस चीज़ को देखते हुए मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त का क्या खास है। और क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल मेरे साथ में है। पिछले कितने टाइम से करीम पे हैं आप? तकरीबन 38 साल हो गए। 38 साल से करीम पे हैं और इसी तरीके से इन देगों के ऊपर, इन पतीलियों के ऊपर बैठते हैं। और क्या निकाल रहे हैं अभी आप? ये मेरे पाए निकाल रहे हैं, इसको खरोड़े ही बोलते हैं। खरोड़े पाए निकाल रहे हैं जी। इस वक्त रमजान का यह स्पेशल डिश है? ये रमजान जी स्पेशल डिश है, उसमें सारे गैर मुस्लिम गैर मुस्लिम सब खाते हैं। और क्या है ये? साथ में मटन नहारी है। क्या मटन नहारी है? तो ये खरोड़े जिन्हें पाए कहा जाता है और ये नहारी रमजान की स्पेशल डिश है, जिसको के इस तीखी मिर्चे और अदरक के साथ में, ग्रीन चिली और जिंजर के साथ में, जो कि पीसीज में कटी हुई होती है, इसके साथ ऊपर डाल करके खाया जाता है और गार्निश इसी से किया जाता है। करीम का कोरमा, नहारी और पाए, जिसको खड़ौंदे कहते हैं, जो आपने खाए, मैं अब उसके बाद में आपकी करीम के जो मालिक है जैनुल आबदीन, उनसे बात कराना चाहता हूँ। और ये इत्तेफाक है कि इस वक्त रमजान के टाइम है और क्योंकि ये वक्त गुजर रहा है और बहुत जल्दी अब ईद आने जा रही है, मेरे साथ में भाई जैनुल आबदीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को सबसे ज़्यादा करीम की तरफ खींचती है, क्या दिलकशी है जो आप इसके अंदर खानों में डालते हैं? बात यह है कि दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को जायके की तमीज़ है, तो इसलिए वो खुदा का शुक्र है, वह घर जैसा एटमोसफियर मिलता है, घर जैसा टेस्ट मिलता है, तो इसीलिए लोग पसंद करते हैं। आप जैसे हजरात तशरीफ लाते हैं यहाँ पर। क्या चीज़ ऐसी है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आती है भाई? अब इस वक्त जो है वो तो नहारी और पाए हैं स्पेशल हमारे, बाकी दिन में जो है मटन बर्रा है, सीख कबाब है, कौरमा है, ये सब दिन में रहता है यहाँ। ये अच्छा, एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो माहौल को लेकर के कई बार ये बात के सामने आती है कि जामा मस्जिद के इलाके में कुछ इनसिक्योरिटी लोगों को होती है, इस तरीके से तो मुझे नहीं आता। अब आप देख रहे हैं 50% तो यहाँ लोग नॉन मुस्लिम ही है, तो ऐसा कोई नहीं। इसका फेमस एक तो है देसी फूड है, और निहारी खा सकते हैं, कबाब खा सकते हैं, जो देसी टेस्ट आपको चाहिए हो स्पेशली, नहीं तो आपको नहीं तो मिलता है दूसरा चीज़। बट यहाँ पे आपको एकदम प्योरिटी प्रॉपर मिलेगी, टेस्ट वाइज प्रॉपर। जामा मस्जिद के एरिया में ट्रेडिशनली यहाँ पर आना, ये चीज़ है, पुराने हैं हम यहाँ के, वो नहीं कि नए हैं, पुराने हैं, अच्छे हैं, यहाँ का फेमस है। अल करीम का वैसे ही बहुत फेमस है, आप कबाब खाओ, कबाब इज़ वेरी फेमस है यहाँ पर, और निहारी खाओ उसके साथ, आप बर्रा एंड ऑल बर्रा भी खाओ, नान साथ में खाओ, और साथ में कुमारी रोटी जो होती है, कुमारी रोटी, कुमारी खमीरी रोटी, खमीरी। करीम्स के और ब्रांचेस में जाओ, जो ट्रेडिशनल टेस्ट यहाँ पे है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब जो जामा मस्जिद के बारे में कहा जाता है, जो जामा मस्जिद के इलाके में कहा जाता है, जो तहजीब और तमद्दुन खास तौर से इसी जामा मस्जिद के इलाके में मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सब ट्रेडिशनल फूड को छोड़ के सारे रिलीजन यहाँ पे अलाउड है, एवरी रिलीजन इज अलाउड, कोई ये नहीं कि कोई कौन सिख है कि या कोई क्रिश्चियन है या कुछ है, सारे रिलीजन अलाउड है, एंड दे गिव ऑल द रिस्पेक्ट टू एवरीवन। जस्मीन एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि तमाम रिलीजन अलाउड हैं, ये नहीं कि किसी एक को भी रोका जाता है, सारे रिलीजन अलाउड हैं और सबको इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कौन क्या खा रहा है। नहीं, ड्यूरिंग द डेज ऑफ रमादान दिस इज़ अ प्लेस वेयर एवरीबडी प्रेफर्स टू कम टू हैव द ऑथेंटिक मुगलई फूड। तो यहाँ पे ऑथेंटिक मुगलई फूड जो है, लोग शाम को अक्सर जब रोज़ा खोलते हैं लोग, तो लोगों को होता है कि यहाँ पे लोगों के बीच बैठ के एक अलग तरीके का एटमॉस्फेयर जो है हम इन्जॉय करें। चिकन सीख कबाब, मटन कबाब, शमी कबाब, और चिकन स्टू भी अच्छा है यहाँ का, कौरमा। क्या नाम है आपका? अनुज राजपाल। अनुज राजपाल, पहली बार सुनकर नहीं आई, बट पहली बार आई। कैसा लगा जामा मस्जिद के इलाके का माहौल, और खास तौर से यहाँ जब आप पहुँची हैं? रौनक है, दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल, सो इट्स न्यू टू मी, लेट्स सी कि कैसा रहता है फूड। सारी यहीं पे होती हैं, करीम पे होती है सारी, मोस्टली सारी करीम पे होती है। क्या पसंद है यहाँ का खाना? मटन कौरमा, मटन नारी, कीमा, भेजा, मटन बर्रा, नान, सभी इसकी मोस्ट
तंदूरी रहा तो जवाहर और करीम के बाद इस वक्त पहुंचा हूं यहां मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई पे। और आपको मैं बता दूं कि जो लोगों का आकर्षण का केंद्र बनता है वो कुछ इस तरीके के मसाले हैं मोहम्मद हुसैन के, क्या आप देख सकते हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, सबको एक खाने की जो जद्दोजहद है हुसैन का चिकन वो इस वक्त में, हालांकि रमज़ान चल रहे हैं और 2 बजे तक मिल रहा है, नहीं तो 12 बजे से पहले पहले मोहम्मद हुसैन के यहाँ चिकन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मैं मोहम्मद हुसैन से भी पूछना चाहूँगा, खुशकिस्मती है कि इस वक्त में बैठे हुए हैं और ज़रूर इनसे पूछूंगा कि आखिर मसाले की ऐसी कौन सी चुटकी है तो लगाते हो तो लोग भागे चले आते हैं। हुसैन साहब जानना चाहूंगा आपसे किस तरह से बनाते हैं चिकन फ्राई आप जो करते हैं? ये मेरे 45 साल 45 साल से कैसे बना रहे हैं? मैं ऐसे बना रहा हूँ। क्या क्या डालते हैं चिकन के? ये मसाले वगैरह जो मसाले वगैरह हैं जरा दिखाना चाहूंगा, क्या क्या मसाले जरा बताइए। गर्म मसाले है, अजवाइन है, नमक है, मिर्चे है। तो वो चुटकी कौन सी है जादू की? ये नसीब की चुटकी है। ये नसीब की चुटकी है, ये मोहम्मद हुसैन का कहना है ये नसीब की चुटकी है। और ख़ास तौर से दिखाना चाहूँगा कि सिर्फ आपको 4 डब्बे मसालों के रखे नजर आएंगे जिसमें गरम मसाला है, लाल मिर्च है, नमक है और पीली मिर्च है। और इन 4 मसालों में इन्होंने कहा कि नसीब की चुटकी है और जिस तरह से लोगों को पसंद आता है, मैं चाहूँगा ये जिसने बनाया ज़रा बुलाइए। ये जो इनके कारीगर हैं जो इस वक्त चिकन बना रहे हैं, मैरिनेट कर रहे हैं इसको, और इसके अंदर बड़े हिसाब से मिर्च मसाले डाले जाते हैं, उसको क्रिस्पी किया जाता है और फिर वो लोगों को बड़ा भाता है। क्या नाम है आपका? शाहिदुल इस्लाम। शाहिदुल इस्लाम, शाहिदुल इस्लाम क्या क्या डाला है चिकन में? ये मसाले डालते हैं, ये पुराने ये बताएंगे क्या क्या खास मसाले हैं। लहसुन वगैरह भी डालते हैं? हाँ, लहसुन का पानी डालते हैं, लहसुन डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं। बिल्कुल, तो ये लोगों को जो खाता है चिकन वो सारा मसालों का ही टेस्ट है। और इनके खुद के मोहम्मद हुसैन के जो बेटे हैं वो आखिरी मसाले की चुटकी उनके हाथ से आप देख सकते हैं कि ये डलते हुए दिखती है। मैं पूछना चाहूँगा नवेद से, नवेद क्या चीज़ ऐसी खासियत है जो लोगों को इतना भाती है वो आगे चले आते हैं? सब अल्लाह की मेहरबानी है, सब ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है सब। क्या भाव इस वक्त में आप चिकन बेच रहे हैं? लेग और चेस्ट का कितने का? ये फुल चिकन 400 रुपए का, लेग पीस 100 रुपए का और सीना 110 रुपए का, और फिश 600 रुपए किलो। तो जब भी कभी आए मोहम्मद हुसैन का चिकन फ्राई जरूर ट्राई कीजिएगा। जिस वक्त भूखे हो और ज्यादा शदीद भूख लग रही हो तो उस वक्त में मोहम्मद हुसैन का जो चिकन फ्राई है वो आपकी यकीनी तौर पर भूख ज़रूर मिटाएगा। और इसका जो टेस्ट है, जो क्रिस्पी टेस्ट है, क्रंची टेस्ट है, वो मोहम्मद हुसैन के लिए एक ऐसी चीज़ है जो बता रहे हैं कि 45 साल से लगातार जिन मसालों की वो चुटकी डालते हैं तो लोग भाग करके सीधे यहीं जामा मस्जिद पर चले आते हैं, यहीं खींचे चले आते हैं। तो पुरानी दिल्ली की तंग और पेचीदा गलियों में एक ऐसी भी बिरयानी वाला है जो कि लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है। गेट नंबर 1 जामा मस्जिद से अगर हम आते हैं तो यहाँ कहीं मोड़ के कहीं तोड़ करके जो एक रास्ता आकर के टिकता है वो हवेली आजम खां में आता है। और ये दीवानगी का आलम है लोगों की बिरयानी का, जिस तरीके से खाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ जिसको मौका मिलता है जिस तरीके से भी मिलता है बिरयानी मिलनी चाहिए। और फिर वो बिरयानी जो है उसका जो खाने का लुत्फ और उसके खाने के तरीके और अंदाज़ है वो कुछ अलग ही हैं। और शायद इस तरीके से मुझे लगता है कि तौफीक की बिरयानी जिस तरीके से लोग पसंद करते हैं और उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो बनाने का उसका तरीका है, वो कुछ ऐसा दिलकश है कि लोग खींचे चले आते हैं और यही कहते हैं कि तौफीक की बिरयानी खाई दी है। चलते हैं तौफीक के पास और बात करने की कोशिश करते हैं कि बिरयानी आखिर बनती कैसे और बन कहाँ रही है। मैं भी पहुंचने की कोशिश करता हूं, तौफीक से बिरयानी लेता हूं और देखता हूं तौफीक इस वक्त में है या नहीं। कई सारे लोग हैं, नौजवान खास तौर से तौफीक की बिरयानी के जो दीवाने हैं। क्या खाने आते रहते हैं बिरयानी? रोज आते हैं सर। क्या चीज ऐसी लगती है बिरयानी की अच्छी? चटपटा मसाला जो होता है ना, अचार वगैरह, तो उसमें चटनी या किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप भी आते हैं बिरयानी? बिल्कुल बिल्कुल, कस्टमर है। चलिए मैं फिर तौफीक से ही बात करता हूँ। क्या चीज़ ऐसी है, किस तरह की बिरयानी बनाते हो, वो किसे चले आते हैं? मेरा अल्लाह का शुक्रिया भेजूँगा और बहुत बड़ा करम है मालिक का। बिरयानी के अंदर टेस्ट डालो पर बनना, मैंने कोशिश ये करी कि दिल्ली के अंदर एक बढ़िया चीज़ मिले सब पब्लिक को, और नॉर्मल रेट रख रखे हमने 160 रुपये किलो, सब आदमी खा के जाए यहाँ पे। तो ये चिकन की है या सिर्फ बीफ की है? बफोलो दोनों रखता हूँ, चिकन की तरफ साइड में खत्म हो गई, बफोलो की है। तो
टॉपिक दिन भर दिन जो है लोग पसंद कर रहे हैं बिरयानी। जी जी जी, क्या लोगों से कहना चाहोगे? और बस लोगों से कहूँगा इनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ऊपर वाला भेज देता है खाने के लिए, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं खाने के। वैसे तो बिरयानी वाले बहुत हैं, बहुत बह रहा है दिल्ली के अंदर माशाल्लाह, बहुत अल्लाह ने दिया सब। कुछ खास तरीके के मसाले यूज करते हो? अपने मसाले अपने यूज करता हूँ सारे, में रेडीमेड कोई चीज नहीं लगता। नमाज के लिए भी हो जाए, और इस वक्त मैं जहाँ पहुँचा हूँ यहाँ पर चिकन के कुर्ते, और मैं साथ में बता दूँ मेरे सहयोगी शाहरुख भी है जो इस वक्त आपको बताएंगे भी और खुद जाकर के खरीदेंगे भी। शाहरुख, ओवर टू यू। यहाँ पर इस वक्त हम मशहूर जामा मस्जिद में मौजूद है, और ये इलाका जो मैं आपको दिखा दूँ चिटली कवर का है पूरा इलाका, और वन ऑफ द फेमस शॉप जो कि कुर्तों की है यहाँ पर, और भाई के पास हम आना चाहेंगे। तो भाई आपके पास कितने तरीके के कुर्ते होते हैं? तकरीबन 30 तरीके के कुर्ते हैं। अच्छा, 30 तरीके। तो अगर जैसे कोई खरीदार आ रहा है लेके यहाँ पर आपसे खरीदता है तो कितने रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं? 450 रुपए स्टार्ट है हमारे पास, 2000 रुपए तक का। 2000 रुपए तक। जरा कुर्ते की मुझे क्वालिटी दिखाएंगे आपकी कैसी है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बिल्कुल कुर्ते की क्वालिटी एकदम आपको लाजवाब मिलने वाली है यहाँ पर, और एक से एक खादी। मुझे लगता है कि शाहरुख पर ये वाला जो कलर है ब्लू कलर, जिस तरीके का ये कुर्ता, या मैं कहूँगा फिरोजी जो कलर है, ये बहुत अच्छा लगेगा। शाहरुख, ये कुछ ट्राई करते हैं इस बारी पे? तो ये जरूर इंशाल्लाह हम ट्राई करने वाले हैं। और इनके पास मैं बता दूँ, अगर आप आना चाह रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको कलर, ब्यूटीफुल कलर, ईद के रिलेटेड जो है सब आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और भाई ने जैसे बताया बहुत मुनासिब रेट और काफ़ी अच्छा कपड़ा है यहाँ पर, आपको बहुत ही मुनासिब रेट मिलेगा। और क्या कह रहे हैं आप सर? बहुत ज़्यादा यूनिक पीस होते हैं हमारे। अच्छा, ये कलर में और सेल्फ कपड़े के अंदर जो डिजाइनिंग देख रहे हैं आप, हाँ बहुत अच्छा है। आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ हमारे अलावा हमारे पास मिलेंगे। ये हमारे खुद के सिलाए हुए हैं, सिल्क लोन के हमारे मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये खुद के हैं, लोन के सिलाए हुए। ये कौन सा कपड़ा होता है? लोन है, लोन कलर, लोन जो चल रहे हैं आजकल, हमने इसमें बच्चों के बनाए हुए हैं। अच्छा, इसमें चिकन भी आते हैं आपके पास? चिकन के कुर्ते आजकल बहुत चल रहे हैं, जरा एक आध पीस दिखाइए चिकन के कुर्तों के, आजकल एक बहुत ज्यादा पीस चल रहे हैं। तो मैं अभी आपको चिकन के कुर्ते दिखाने वाला हूँ, जैसे ये देख सकते हैं। अच्छा वाह, बहुत ज्यादा कढ़ाई वर्क आप इस पे देख सकते हैं। ये तो मुझे लगता है कि शायद मेरे नाप का होगा। अगर मैं ट्राई करके देखूं इस कुर्ते को, तो ये चिकन का कुर्ता है और कलर भी वाइट है, तो शानदार मुझे नजर आ रहा है। शाहरुख, मुझे लगता है कि कलरफुल कलर्स हम लोगों के लिए ज्यादा अच्छे, ज्यादा कंपैटिबल और ज्यादा अच्छे रहते हैं। रेंज कितनी बता रहे हैं वैसे? रेंज ये बता रहे हैं इनके पास 450 रुपए लेके 2000 रुपए तक के इनके पास कुर्ते हैं, और काफी अच्छे। इन कुर्ते वालों ने गरीबों का ख्याल नहीं रखा हुआ ऐसा लग रहा है मुझे। भाई गरीबों का ख्याल नहीं रखा हुआ तो यहाँ जो 450 से रेंज स्टार्ट होती है, तो ये जो भी लेने आएगा कुर्ता वो सोच के आइएगा कि 250 रुपए या 150 रुपए का कोई हिसाब नहीं है, 450 रुपए से कुर्ते की रेंज जो है वो शुरू होती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इनकी कुर्ते की क्वालिटी काफी अच्छी है, मतलब इन्होंने काफी फिनिशिंग वगैरह काफी अच्छी कर रखी है, और इनके पास कलर भी इतने ज्यादा है कि आप कहीं जा नहीं सकते, मतलब एक ही दुकान पे आपको इतने सारे कलर मिल रहे हैं, मल्टीपल कलर। और कॉटन के अंदर अगर मिल जाए, और खासतौर से ये चिकन वगैरह का और इस तरीके की कढ़ाई का, मुझे नहीं लगता कि कोई और कहीं और जाएगा ये ढूंढने के लिए। बिल्कुल, तकरीबन 30 डिजाइन है, एक महीने के बच्चे से हमारे पास स्टार्ट है। अच्छा, और पूरे बड़ों के साइज है, एक महीने के बच्चे से स्टार्ट है हमारे पास, सबसे छोटा साइज 1 महीने का। चलिए बेहतर है, अगर आप आना चाह रहे हैं तो जामा मस्जिद इडली कवर शॉप आप जो है यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आपको काफ़ी अच्छा स्टफ मिल जाएगा कुर्तों का। और जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इनकी ये शॉप देख सकते हैं ऊपर, तो शॉप इनकी ये है कदीमी
कदीमी फ्लावर के नाम से, यहाँ पर आइए आप अच्छे से आके शॉप कीजिए। और जामा मस्जिद पे अभी हम डायरेक्टली आपको सब जो है बढ़िया, जैसे मैं अभी आपको दिखाना यहाँ पर चाहूंगा शाहरुख, मैं जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि एक महीने के बच्चे से लेकर के और जितना भी जवान और बुजुर्ग तक का जो कुर्ते का रेंज है इनके पास में मौजूद है, तो मिनिमम साइज जो है वो एक महीने के बच्चे का है। ये कितने महीने के बच्चे का है? ये 2 साल के बच्चे, 1.5 से 2 साल के बच्चे का ही। अच्छा, क्या रेंज आ रही है इसकी सर? 475 रुपए का सूट है ये। ये थोड़ा मुझे कॉस्टली लग रहा है क्योंकि बच्चे का कितना खूबसूरत है, इसका काम देखिए आप कितना खूबसूरत बना रखा है, देखिए ये पठानी सूट है, ये सलवार सूट है। यही वो शीरमाल है जिसने लाल रोटी को अब दस्तरखानों पे से गायब कर दिया है, लेकिन जो लोगों की पसंद बनी हुई है इसमें जो ड्राई फ्रूट बादाम और काजू किशमिश वगैरह का इस्तेमाल होना और लोगों को इस तरीके से भाना कि ये जो शीरमाल है गरम गरम बहुत ताज़ा बहुत शानदार लगता है खाने में। मैं पूछता हूँ कि हाजी इमरान शीरमाल वालों से कि किस तरीके से बनाते हैं और क्या करते हैं। हाजी इमरान, क्या डालते हैं इसमें और क्या चीज़ें, कहाँ की ये डिश है? सर ये मेरठ की डिश है और इसमें दूध खोया उससे बनता है ये फुल बादाम फुल देसी घी में काजू पिस्ता बादाम चिरौंजी और देसी घी। तो एक ही रेट के हैं या अलग अलग हैं? अलग रेट के हैं। कितने? 35, 70 और 100। कौन सा कितने का है, किस क्वालिटी का? ये 35 का है सर। इसमें क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है? हाफ बादाम हाफ देसी घी हाफ डालडे की। इसमें फुल बादाम फुल देसी घी है 70 रुपये का है। इसमें काजू पिस्ता बादाम चिरौंजी देसी घी। ये कितने का? ये 100 रुपीज का है। ये 100 रुपीज का, ये 35 का है, ये 70 का है, ये और ये 100 का है। तो आपको आपकी जेब के हिसाब से जितना खाना है उसके हिसाब से मिल जाएगा ये शीरमाल हाजी इमरान के यहाँ से। और ये मेरठ के मशहूर है, ये बताया गया कि इसके अंदर मिक्सचर करके बनाया गया, इसमें देसी घी और डालडा दोनों मिला हुआ है। ये बादाम और देसी घी का ये 70 रुपये का है और जो सबसे ज़्यादा फुल प्योर देसी घी का और उसमें काजू बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल किया गया है वो 100 रुपये का है। बनाने का तरीका इसका वही है जिस तरीके से बता रहे हैं कि दूध घी वगैरह साथ मिलाकर के मैदा मिलाकर इसमें बनाया जाता है और प्योर ड्राई फ्रूट इसमें डाला जाता है, उसके बाद फिर इस ओवन में इस तंदूर में इसको बेक कर दिया जाता है, सेक दिया जाता है। तो जामा मस्जिद पे अगर आप पहुँचे और खा पी करके अब थक चुके हैं तो आप जाते जाते ये मोहब्बत का शरबत और शरबत मोहब्बत दोनों ही यहाँ मेरे दाएं और बाएं हैं दिखाना चाहूंगा और उजैफा से जरूर पूछूंगा। उजैफा मेरे साथ में इस वक्त, उजैफा ओवर टू यू, कुछ शरबत के बारे में अगर दोनों तरफ बताना चाहो तो। ये मोहब्बत का शरबत के नाम से यहाँ बहुत फेमस होता जा रहा है दिल्ली का, जामा मस्जिद का शरबत है मोहब्बत। तो आप मुझे बताएंगे शरबत के अंदर आप क्या यूज करते हैं? तरबूज, दूध, रूह अफ़ज़ा, चीनी बर्फ। जैसे अमूल गोल्ड आप दूध लगा रहे हैं इसके अंदर? बोलिए। और रूह अफ़ज़ा लगा रहे हैं? और आप देख सकते हैं ये वाटर मिलन के अंदर वाटर मिलन ये डाल रहे हैं इसके अंदर फ्रेश, और ये अमूल गोल्ड दूध यूज कर रहे हैं और मैं इनसे टेस्ट करना चाहूँगा। ये बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत का शरबत, एकदम रिफ्रेशिंग एंड वाटर मिलन एंड मिल्क एकदम रिफ्रेशिंग और गर्मी दूध भगा है। मैं भी ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगा और बताऊँगा कि फिर कैसा है। मोहब्बत का शरबत पी के देखते हैं। मुझे लगता है इसमें केवड़ा वगैरह भी शायद की वैसे केवड़ा और खस का टेस्ट आ रहा है। और क्या बताया इन्होंने क्या डालते हैं? अमूल गोल्ड दूध डालते हैं इसमें, वाटर मिलन डालते हैं ये फ्रेश काट के, और अपना मिल्क है, बर्फ है और चीनी है। और इधर चलते हैं शरबत है मोहब्बत में। हालांकि क्वालिटी के हिसाब से दोनों ने कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर रखा, तभी लोग जो है खींचे चले आते हैं पीने के लिए। और जिस तरीके से इस पतीले में ये बनाते हैं ये चीज़ देखते हुए लोगों को एक अच्छी एक एनर्जी ड्रिंक मुझे लगता है कि उजैफा मिल जाती है। इनका भी ट्राई करके देखें। और ये शरबत मोहब्बत का हम टेस्ट कर रहे हैं दूसरे वाले का, ये एकदम सेम टेस्ट में थोड़ा मीठा तेज है, मीठा जरा ज्यादा है।
टच भी आ रहा है, मीठे की कंसिस्टेंसी जो है इसमें ज्यादा, जैसे उस जैसा बता रहे मैंने अलग है, थोड़ा रोज का भी टेस्ट मतलब ये बताना चाह रहे हैं। मैं आपसे भी कहूंगा मेरे कैमरामैन से कि एक बार इधर आकर के जरा देख भी लें, जिस तरह ये वाटरमेलन की करंट पीसेस करके इसमें डाल रहे हैं और उसको बना करके बता रहे हैं कि मीठा थोड़ा ज्यादा किया हुआ है, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारे जो शरबत है वो शरबत है मोहब्बत तो है ही, मोहब्बत भी हम कुछ ज्यादा इसमें डाल रहे हैं तभी मीठा इतना हो। थोड़ा एक रोज का भी टेस्ट इसमें ज्यादा है, उसमें केवड़े का टेस्ट जैसा आ रहा है ना, तो इसमें थोड़ा रोज का मिठास इसलिए हुई है, इसके अंदर ये रमजान के महीने चल रहे हैं इसमारे, इसमें ज्यादा और मिठास है, इसमें थोड़ा रोज का टेस्ट, इसमें जो रोज का फ्लेवर है सही कह रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा है, और शायद यही वजह है लोगों को ठंडा बहुत ज्यादा है, कोई और कोल्ड ड्रिंक की जरूरत नहीं है अगर आपने ये पी लिया। इसके अंदर मैं दिखाना चाहूंगा ये अमूल गोल्ड का जो दूध के पैक रखे हुए हैं, ये अमूल गोल्ड का है, प्योर ये इसी का यूज करते हैं, उसके साथ में ये जो हमदर्द रोएफजा जो बीच में अभी आपको मालूम होगा कि काफी क्राइसिस हुआ था, ये रोएफजा प्योर रोएफजा इसके अंदर इस्तेमाल होता है, अमूल गोल्ड रोएफजा, और उसके साथ में आप देख सकते हैं ये पाइनएप्पल के ये वाटरमेलन के उसके पीसेस जो है इसमें डालते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कोई और फ्लेवर है आपके पास? पहले सेब वेब का भी होता था, ओनली वाटरमेलन, ओनली वाटरमेलन हमारा वाटर में होता है, एक पानी में एक दूध में, पानी वाला खत्म हो गया, मिल्क वाला है। तो उसमें क्या क्या डलता है पानी के साथ, रोएफजा वगैरह? सेम है बिल्कुल, इसमें दूध यूज होता है, उसमें पानी यूज होता है, तो दूध का और पानी का दोनों तरह का बनता है। लेकिन सच में बता रहा हूँ आपको, एक बार आइएगा और जामा मस्जिद पे इसी चितली कबर के बाजार में मटिया महल पे जब आप जाएंगे तो आपको ये मोहब्बत का शरबत और शरबत मोहब्बत वाले जब मिले तो एक बार इनके यहाँ आकर के ये जरूर ट्राई करके जाइए। तो नहारी कोरमा बिरयानी वगैरह के बाद जिस वक्त आप खा के फारिग हो जाए तो डेजर्ट की जो मीठे की जरूरत पड़ती है, ये कूल पॉइंट और ये मेरे बाई तरफ शाही कूल पॉइंट, मैं इनका जो शाही टुकड़ा है ये जरूर दिखाना चाहूंगा, और साथ में ये रबड़ी और इसमें क्या है फिरनी, इसमें खीर है। इसी तरीके से इधर की तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर भी जो शाही कूल पॉइंट है उसके शाही टुकड़े, मीठा ये बादाम मिल्क शेक, और ये इसमें आप देख सकते हैं कि रबड़ी मलाई है। एक एक करके दोनों से जानना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो मशहूर इनकी है आइसक्रीम दोनों ही की, वो मैंगो आइसक्रीम है। क्या है इसमें खासियत मैंगो आइसक्रीम? हम अपने घर पे बनाते हैं, तो हमें रिश्ते हुए 40 साल हो गए हमारे फादर को, ये घर पे बनी जैसे शिकंजी बनती है ऐसे बनाते हैं। तो इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी सुबह से शाम तक? ये सुबह से रेडी करते हैं, रात तक रेडी होती है ये एक डिब्बा, और शाही टुकड़ा भी हमारा फेमस है शाही टुकड़ा पे। तो जरा निकाल के दिखाइए इसके अंदर, ये वनीला है? हाँ जी ये वनीला है। लोगों को कौन सी ज्यादा भाती है, मतलब कौन सा सबसे अच्छा लगता है? मैंगो की ज्यादा डिमांड है हमारी। लेकिन जिस वक्त में मैंगो नहीं होता, मैं ये भी सवाल जरूर करना चाहूंगा, जिस वक्त मैंगो नहीं होता उस वक्त क्या आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज किए जाते हैं या मैंगो मैंगो से बनाए जाते हैं? मैंगो हमारा स्टोर से आता है, वो महंगा होता है थोड़ा, हमारा आता है मैंगो। तो आपके रेट्स में भी फर्क आ जाता होगा फिर? तो 12 महीने हमारे क्या कितने रुपए की है? 300 रुपए केजी है, 30 रुपीज की प्लेट है, दोनों का एक ही रेट है। दोनों का, तो आप चाहे मैंगो ले या वनीला दोनों का एक ही रेट है। मैं पूछना चाहूंगा इनसे, क्या नाम है आपका? जी सारिफ। सारिफ, जरा मैंगो आइसक्रीम का आपके यहाँ कितना रेट है और किस तरीके से बनाते हैं जरा बताइए। वही सर घर पे बनती है ये भी, वो क्या नाम है, वही रेट है 30 रुपीज, 300 रुपीज कीजिए जी, 300 रुपीज किलो। शाही टुकड़े के बारे में पूछना चाहूंगा, जरा निकालिएगा उसको, क्या रुपए प्लेट है और क्या रुपए किलो है शाही टुकड़ा? शाही टुकड़ा ये मुगलों के आइटम की चीज है, 30 रुपीज पर प्लेट, 30 रुपए पर प्लेट, पर प्लेट। और क्या रुपए किलो है ये? 300 रुपए किलो है। तो शाही टुकड़े का जो आइसक्रीम का रेट है वही शाही टुकड़े का रेट है, किस तरह से बनाया जाता है जरा? ये ब्रेड क्रीम दूध वगैरह खोया मिलता है इसके अंदर। अभी क्या क्या इसमें लगाया हुआ है? इसमें ब्रेड लगी हुई है, क्रीम लगी हुई है, मिठाई लगी हुई है, देसी डला हुआ है, चेरी लगी हुई है इसमें, और ऊपर से क्रीम है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है। तो चाहे ये शाही कूल पॉइंट हो या मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कूल पॉइंट हो, दोनों जगह आपको शाही टुकड़ा और जिस तरीके से रबड़ी और मिल्क शेक वगैरह आइसक्रीम मिलती है वो यकीनी तौर पे मैं आपको बताऊंगी खाने के बाद में, बहुत शानदार आपके लिए डेजर्ट्स के आइटम है अगर आपको।